तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले एलविस यादव के बारे में। तो अभी गाइस एलविस यादव के रोडिस इवेंट का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। दरअसल गाइस ये एक नॉर्मल सी लड़की है जिसका कि गाइस नाम है सेजल शर्मा, जिसके बारे में गाइस यहाँ पर एक ट्विटर यूजर ने काफी ज्यादा शॉकिंग चीज को लिखे है। यहाँ पर गाइस ट्विटर यूजर ने लिखे की फाइनली इट्स ऑफिशियली हैशटैग एलविस आर्मी की भाभी मिल गई है, इट्स सेजल शर्मा। यहाँ पर गाइस आप लोगों को इस बात में कितने ज्यादा सच्चाई दिख रही है, आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस हम बात करते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा ने गाइस अपने नए घर में आज एक रील्स वीडियो को शूट किए, जिसके बारे में गाइस यहाँ पर किसी यूजर ने कमेंट करके लिखे हैं कि आप अपने नए घर में हो क्या, जिस पर गाइस यहाँ पर कीर्ति मेहरा बात करते हुए क्या बोली अपने नए घर के बारे में, आप लोग इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखिए। घर नहीं है ये, टेम्पररी कह सकते हो, टेम्पररी स्टूडियो या फिर टेम्पररी फ्लैट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। ये मैंने लिया है क्योंकि शूट्स वगैरह करने होते हैं बीच में। चलो अगर शूट्स नहीं भी करने होते तो घर के जितनी भी चीजें चल रही हैं उसके लिए डेली अप डाउन वगैरह करना होता है। और मेरे भाई का ऑफिस भी गुड़गांव में ही है तो वो भी आता है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम 2-3 दिन के लिए यहीं पे रहते हैं ताकि उसका ऑफिस भी पास पड़ जाए और मैं तब तक बाकी सारे काम देख सकूं। तो जितने लोगों को पता होगा स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में ये वैसा सा है। होगी छुट्टी, अभी भी काम कर रहा है। कुत्तों की कोई छुट्टी नहीं होती, कुत्ता 7 दिन कुत्ता ही होता है, कोई दिन नहीं होता भाई। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर कीर्ति मेहरा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, आप लोग गाइस एलविस यादव के उस वायरल वीडियो क्लिप को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, देख सकते हो हम लोग 30,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।